टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, CES 2018 चालू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। अगर आप नहीं जानते हो कि CES क्या होता है तो आप जाके सिंपली गूगल कर लो, वहाँ पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि इस इवेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए, ये तो हो गई CES की बात, लेकिन मैं इस इवेंट को डेली फॉलो कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि क्या नई नई चीज़ें और क्या कमाल की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहीं पर मुझे एक कमाल की चीज़ मिली, वो मिली स्लीप नंबर की बेड टेक्नोलॉजी। स्लीप नंबर बेसिकली एक कंपनी है जो बेड बनाती है, मैट्रेसेस बनाती है, बेड मतलब सोने वाले बेड। देखिए, इनोवेशन जो है ना, अब वो लिमिटेड नहीं रही। पहले इनोवेशन टेक्नोलॉजी में हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ करती थी, लेकिन अभी इनोवेशन हर जगह घुस चुकी है मेरे भाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरे भाई कि कहां कहां पे आपको इनोवेटिव चीजें, टेक्नोलॉजी वाली चीजें देखने को मिल सकती है। चलिए, फिलहाल अभी हम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं सिर्फ बेड पे, मतलब जिस बेड पे आप डेली सोते हो उसके अंदर क्या इनोवेशन देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो बेसिकली एक स्लीप नंबर कंपनी है US बेस्ड, ये एक नए प्रोजेक्ट के साथ आई है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है, और इन्होंने एक ऐसा बेल्ट बना दिया है जिसका नाम है स्लीप नंबर 360। और ये बेल्ट कुछ कमाल की चीजें करता है यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वही कमाल की चीजों के बारे में कि क्या कमाल की चीजें ये करता है, क्या क्या नई चीजें प्रोवाइड करता है और क्या क्या इनोवेशन आपको इसमें थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस बेल्ट की, तो ये कुछ इनोवेटिव फीचर्स लेके आता है आपके पास। चलिए बात करते हैं उन फीचर्स की कि क्या क्या कमाल की चीजें देखने को मिल जाती है आपको इस बेल्ट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले इनोवेटिव चीज बेड के अंदर ये है कि इसके अंदर सेल्फ एडजस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मतलब कि भाई, हम रात को सोते हैं तो हम इधर उधर सोते रहते हैं, मतलब हिलते रहते हैं, कभी हम मुंह ऊपर करके सोते हैं, कभी नीचे करके सोते हैं, कभी लेफ्ट साइड पर सोते हैं, कभी राइट साइड पर सोते हैं, मतलब ऐसे जो हमारे पोस्चर है बॉडी के वो रात भर चेंज होते रहते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। मतलब आप सो गए, उसके बाद बॉडी अपना मूव करती रहती है। इसके साथ ही ये आपके कंफर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखेगा, मतलब जिस तरीके से आपकी बॉडी कंफर्ट शेप में आ सकती है उसके अकॉर्डिंग ये बेड अपने आप को कंप्रेस कर लेगा। तो इसमें जो गद्दे यूज हुए हैं या फिर इसमें जो क्यूजन यूज हुए हैं उसमें एयर टेक्नोलॉजी यूज हुई है, बेसिकली एयर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके बेल्ट को एडजस्ट करती रहती है। तो आप जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे आपका जो बेल्ट है वो एडजस्ट होता जाएगा। दूसरी सबसे इनोवेटिव चीज मेरे को इस बेल्ट के अंदर ये दिखी कि इसके अंदर स्नोरिंग टेक्नोलॉजी है। देखो, स्नोरिंग मतलब क्या होता है, खराटा। और खराटा ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, आपको भी करता होगा। अगर आप सो रहे हो, आपके बगल में कोई खराटे वाला आदमी सो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वहां पे देखने को मिलती होगी। और इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो बंदा सो रहा है उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है कि वो कब खराटे मारने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि जब आप खराटा मारते हो तो वो होता है आपके गलत पोस्चर की वजह से मोस्टली। मतलब आपके सांस लेने में जब एयर ब्लॉकेज होती है तो वहां पे खराटे की आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इस बेल्ट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिलती है कि अगर आप रात को सो रहे हो और आपने खराटे लेने शुरू कर दिए तो वहां पे जो बेल्ट है वो आपके नेक को एक अलग पोस्चर पे ले आएगा। मतलब नेक को हिला डुला के ऐसी पोजीशन में ले आएगा कि वहां पे जो आपकी एयर की ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगी और आपका जो खराटा है वो वहां पे बंद हो जाएगा। तीसरी इसके साथ इनोवेटिव चीज देखने को मिलती है, वो मिलती है फुट वार्मिंग टेक्नोलॉजी। साइंस बोलता है कि जब भी आप सोने जाते हो तो सबसे पहली चीज जो वहां पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका जो फुट है, मतलब आपके जो लेग्स हैं, आगे के टोज है, वो वार्म होने चाहिए या फिर वो गर्म होने चाहिए। मतलब अगर आपके फुट वार्म हो गए तो आपको जो नींद है बहुत कंफर्ट लेवल पे आती है और बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो मैंने तो कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी नहीं, लेकिन भाई ये जब न्यूज के थ्रू गया तब मुझे लगा कि यार ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, अभी आगे से जब भी सोएंगे तो अपना पैर जो है पहले आग में डाल देंगे, फिर आके सो जाएंगे तो नींद बढ़िया आएगी। मतलब यहाँ पे जब आप रात को सोओगे तो आपका जो लेग साइड है बेल्ट का, उधर से हीट निकलनी शुरू होगी और आपका जो लेग है, आपके जो फ्रंट टोज है, उसको ये वार्म कर देगा ताकि आपको एक बहुत अच्छी नींद आए, बहुत ही साउंड स्लीप आए, बहुत ही कंफर्टेबली आप जल्दी से सो पाओ। और चौथी चीज जो निकल के आती है वो है इस बेल्ट के अंदर एक स्मार्ट अलार्म सेट किया हुआ है। अलार्म देखो, आप मोबाइल में लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, लेकिन सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, कट, अलार्म बंद। और बेसिकली हम सुबह उठ के नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सुबह यार मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, ब्लैंकेट के अंदर होते हो तो कौन उठे भाई इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस बेड के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि जिस टाइम का आप अलार्म सेट करोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग उसके कुछ टाइम पहले से ये जो बेड है आपको धीरे धीरे डिसकंफर्ट करना चालू कर देगा। मतलब कि आप जितने कोजी एनवायरमेंट में सो रहे हो आपके बेड पे, मतलब इसमें जो कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है, जो फुट वार्म टेक्नोलॉजी है, जो सेल्फ एडजस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपकी बॉडी को बताने लगेंगी कि भाई अब उठने का टाइम हो गया है। यहाँ पे सिंपल ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है और इसमें स्मार्ट एल्गोरिथम और स्मार्ट IQ टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे समझेगी और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो बेल्ट भी खुद सीखेगा कि आपकी बॉडी को ओवर द टाइम क्या चाहिए। तो यार ये स्लीप नंबर की टेक्नोलॉजी बहुत प्यारी लगी मुझे क्योंकि ये आपकी बॉडी की सारी एल्गोरिथम को कैलकुलेट करके आपके स्मार्टफोन में आपको बताएगा कि आप रात में कितना सोए, कैसे सोए, अच्छे से सोए, नहीं सोए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या दिन में आप जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।